हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो भाई आज हम बात करेंगे अपनी महिंद्रा XUV 300 की फीचर्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे यूनिक से फीचर दिए जाते हैं जो इसे अपने सेगमेंट से अपर सेगमेंट की गाड़ियों के साथ भी टक्कर लेने को मजबूर करती है, या ये कह लो जो इससे अपर सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं जैसे क्रेटा, सेल्टोस, उसको भी इसके सामने पानी भरने को मजबूर करती हैं। आज के टाइम में जो बेसिक फीचर्स दिए जाते हैं जो कि हर गाड़ी के अंदर मिलते हैं, जैसे कि ABS, EBD, CSS यानी कि कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब तो इस गाड़ी के अंदर हमें मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा 15 से 18 ऐसे यूनिक से फीचर मिलते हैं जो इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाते हैं। तो चलिए उस 15 से 18 यूनिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमेशा हम की से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द की। इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी हमें इस तरीके के डिजाइन की मिलती है, जिसमें हमें 3 स्विच मिलते हैं, लॉक, अनलॉक एंड बजर। लेकिन ये सिर्फ इन 3 फंक्शंस तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर इन 3 बटन से हमें बहुत कुछ हिडन फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए, जैसे कि ये देखिए, अगर मैं इसका लॉक का बटन प्रेस करता हूँ तो ये गाड़ी हमारी लॉक हो जाती है, लेकिन अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर यहाँ पर हमें एक इसकी लाइट ऑन हो जाती है। इस फंक्शन को कहते हैं, इस फीचर को कहते हैं फॉलो मी होम। इसी तरीके से अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है, लेकिन अगर अनलॉक होने के बाद इमीडिएटली मैं इसको दोबारा से प्रेस करता हूँ तो दोबारा से इसका हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं, और इस फीचर को कहा जाता है लीड टू व्हीकल। भाई ये जो 2 फीचर्स हैं, फॉलो मी हेडलैम्प और लीड टू व्हीकल, ये 2 फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम के फीचर हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी ऐसी जगह पर पार्क करते हैं जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा होती है, रात के समय अपनी गाड़ी लगाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, और हमें अपना गाड़ी से उतर के अपने डेस्टिनेशन पे या फिर ये कह लो कि किसी घर तक पहुंचना है, तो उस केस के अंदर आप अपना व्हीकल की हेडलाइट को यूज़ करो और उसके थ्रू आप अपना घर तक पहुंच सकते हो। और सेम रिवर्स के अंदर, अगर आप मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं और आपको गाड़ी तक आना है और उस टाइम पे आपको बाहर लाइट नहीं है, तो आप ये फीचर तब भी यूज़ कर सकते हो। ये 2 हिडन फीचर्स हैं जो इस की के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें एक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर देखने को मिलती है। जैसे देख रहे हैं स्टेयरिंग के राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर हमें एक स्विच दिया गया है स्टार्ट एंड स्टॉप का। बेसिकली ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच नहीं है, ये हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को ऑन एंड ऑफ करने का स्विच दिया गया है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। ये बेसिकली काम कैसे करती है, मान लीजिए हम गाड़ी हमारी रनिंग कंडीशन पे है और इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं और उसके बाद हम गाड़ी को कहीं पर रोकते हैं, यानी कि गाड़ी की मूवमेंट रुक जाती है, टायर्स की मूवमेंट रुक जाती है, तो इमीडिएटली हमारे इंजन को स्विच ऑफ कर देती है, और जैसे हम दोबारा से क्लच के पैडल को प्रेस करते हैं इमीडिएटली हमारा इंजन ऑन हो जाता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम रेडलाइट्स वगैरह के अंदर हम अपने गाड़ी के इंजन को बंद नहीं करते, जनरली हमारा 1-2 मिनट का जो है वो रेडलाइट्स होती हैं, हम गाड़ी को रेडलाइट पर रोकते हैं और अपने इंजन को बंद नहीं करते। उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ये फीचर यूज़फुल होती है कि ऑटोमेटिकली हमें याद रहता है या नहीं रहता, लेकिन इंजन जो है ऑटोमेटिकली हमारा बंद हो जाता है और हमारे फ्यूल को सेव करता है। तो भाई इसके अंदर हमें एक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ड्यूअल स्विच, ये वाली जो गाड़ी है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीचर इसके अंदर दिया गया है, जो है इसका ड्यूअल जोन AC, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों के अंदर आता है, लेकिन महिंद्रा ने इसके अंदर हमें दिया है। इसके अंदर क्या है कि हम 2 अलग अलग जोन्स के लिए, यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के लिए, हम अलग अलग जोन सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ड्यूअल पे क्लिक किया, अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लो और लो दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है, लेकिन अब मैं एक साइड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो एक साइड पे तो अभी भी लो ही आ रहा है, लेकिन राइट साइड पे यानी कि ड्राइवर साइड पे यहाँ पर 22.5 हो गया। अब मैं दूसरी साइड का कंट्रोल यहाँ से कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, तो अब यानी कि जो ड्राइवर साइड का जोन बन जाएगा, ड्राइवर साइड का जो एरिया हो जाएगा वो उसके ऊपर टेम्परेचर मेंटेन होगा 22.5, और जो को पैसेंजर साइड पे को ड्राइवर साइड का जो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो होगा 18.5। तो इस तरीके से हम ड्यूअल जोन के अंदर AC कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो दोनों साइड पे सेम कंट्रोल हो जाएगा। तो भाई ये फीचर काम कहाँ पर आती है, जब आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ जा रही हो तो उस टाइम पे भाई ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम किया है, क्योंकि 90% उस टाइम पे झगड़े जो है AC की वजह से हो रहे होते हैं कि AC का आप टेम्परेचर मेरे को ज़्यादा चाहिए या मेरे को कम चाहिए। तो भाई महिंद्रा ने बड़ा सोच के फीचर निकाला है, तो इससे अब आपके जो 90% जो झगड़े थे जो AC से होते थे रिलेटेड, जो इस AC की वजह से होते थे भाई, वो बंद हो जाएंगे। भाई इसके अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी फीचर देखने को मिलती है, वो है इसका हीटेड ORVM। आज के टाइम में ऑल दो महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर से ये फीचर को रिमूव कर लिया है, लेकिन खैर ऑल दो मेरे को इस मेरी गाड़ी के अंदर मिला है तो मैं आपके साथ वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ।
वो है इसका हीटेड ओआरवी। हम यहाँ पर आप एक स्विच देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली आपका डिफॉगर का स्विच है। डिफॉगर का काम क्या करती है कि वो फ्रंट विंडशील्ड और बैक जो ग्लास होता है उसके ऊपर से फॉग वगैरह को रिमूव कर देती है। लेकिन जो हमारे ओआरवीएम्स होते हैं उसके ऊपर फॉग जम जाती है अगर सर्दियों के टाइम पे या फिर रेनी सीजन के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बार बार शीशा खोल के हाथ से इसको साफ करने करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम अगर यहाँ पर हमें हीटेड ओआरवीएम का स्विच दिया गया है, अगर हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारे ओआरवीएम के ऊपर जमी हुई सारी की सारी फॉग वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। जैसे डिफॉगर काम करता है वैसे ही ये काम करता है। तो भाई आप एक और फीचर इसमें देखने को मिलती है, वो है इसके ऑटो हेडलैम्प्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे हेडलैम्प का स्विच है इसके अंदर, यहाँ पर मैंने ऑटो के ऊपर इसको रखा हुआ है। मैं अपना जो हेडलैम्प का मोड है वो हमेशा ऑटो ही रखता हूँ। ये क्या होता है कि ये नाइट सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर बेसिकली, और ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है डार्कनेस को, तो ये इसके हेडलैम्प्स को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। तो ये फीचर काम कहाँ पर आती है कि जहाँ पर हमें लगता है कि कहीं पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर टनल्स वगैरह या फिर हम अंडर पास से जा रहे होते हैं जहाँ पर अचानक एकदम से डार्कनेस आ जाती है, तो हमें उसके अंदर बार बार उसको स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली डार्कनेस सेंस करती है और इसके हेडलैम्प्स को ऑन कर देती है। और यूनिक सी फीचर देखने को मिलती है, आप यहाँ पर वाइपर का साइन देख रहे होंगे, ये बेसिकली वाइपर कंट्रोल स्विच है। इसके अंदर भी यहाँ पर एक ऑटो का स्विच दिया गया है, ऑटो मोड दिया गया है। बेसिकली इसके अंदर हमें रेन सेंसर मिलता है जो ऑटोमेटिकली रेन को सेंस करता है और हमारे जो वाइपर्स है उसको कंट्रोल करता है। और इतना ही नहीं बल्कि रेन की स्पीड के हिसाब से रेन के वाइपर्स की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इसमें आप यहाँ पर हीटेड ओआरवीएम के साथ में एक स्विच देख रहे होंगे। बेसिकली ये डमी स्विच है लेकिन उसके ऊपर एक इंडिकेशन बना हुआ है। ये हमारे सेकंड एयर बैग का स्टेटस डिफाइन करता है कि हमारा जो सेकंड एयर बैग है वो ऑन कंडीशन पे है कि ऑफ कंडीशन पे है। बेसिकली इसमें हमें दो एयर बैग देखने के लिए मिलते हैं, एक को ड्राइवर साइड पे और एक यहाँ पर ड्राइवर साइड पे। और हम चाहें तो सेकंड एयर बैग को यानी कि हमारे को ड्राइवर साइड के एयर बैग को हम स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए को ड्राइवर साइड के गेट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर साइड पे गाइडेंस स्विच देखने के लिए मिलता है जिसके ऊपर एयर बैग का सिंबल भी बना हुआ है एंड ऑफ एंड ऑन करने के लिए ऑप्शन दी गई है। और इसको हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑन या ऑफ किसी भी कंडीशन पे कर सकते हैं। ये फीचर बेसिकली काम कहाँ आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिंगल पैसेंजर इसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं और को ड्राइवर साइड पे कोई भी पैसेंजर नहीं होता। भगवान ने करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ये जो दोनों एयरबैग्स हैं वो डिप्लॉय हो जाते हैं एंड एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग हमें दोनों ही एयरबैग्स को रिप्लेस करवाना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और अगर हमने एक एयरबैग ऑफ किया होगा तो वो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। इसमें हमें एक और फीचर देखने के लिए मिलती है जो है इसका स्टीयरिंग मोड्स। बेसिकली इसमें हमें तीन स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड कम्फर्ट, जो हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है। बेसिकली जब हमें कभी फंटेज ड्राइव करनी होती है या कभी हम हाईवे वगैरह पे जा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे होते हैं तो हम अपने स्टेयरिंग को टाइट कर सकते हैं, या कभी हम कंफर्ट जोन के अंदर चलाना चाहते हैं तो हम अपने स्टेयरिंग को लाइट कर सकते हैं, या फिर हम कभी अपने नॉर्मल स्टेयरिंग को भी चला सकते हैं जो कि हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस करती है। इसके अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर देखने के लिए मिलती है और वो हिडन फीचर भी है। बेसिकली होता क्या है कि जब 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हम अपनी गाड़ी को रन कर रहे होते हैं, 60 किलोमीटर पर आर या फिर उससे अबव हम अपनी गाड़ी को रन कर रहे होते हैं और अचानक से हमारे सामने कोई आ जाता है और हम सडनली ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं तो गाड़ी तो रुकती ही रुकती है, साथ में इसके हैजार्ड बल्ब जो है वो भी इसके ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब हम सडनली ब्रेक प्रेस करते हैं हमारे को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम हैजार्ड बल्ब को भी प्रेस करें या अपने हैजार्ड लैंप को भी ऑन करें, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और पीछे से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट कर देते हैं। में एक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी फीचर देखने के लिए मिलती है, वो है इसके पडल लैंप। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही साइड पे कि गेट्स के अंदर हमें यहाँ पर इस तरीके से लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक सी फीचर है। बेसिकली अंधेरे वगैरह के अंदर जब हम अपनी गाड़ी को कहीं पर पार्क करते हैं और गेट ओपन करते हैं तो उस टाइम पर इसके लैंप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ग्लो कर जाते हैं तो पीछे से आने वाले व्हीकल्स वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं। पर आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों से रिमूव कर लिया है और यहाँ पर लैंप की जगह पर सिर्फ रिफ्लेक्टर देना शुरू कर दिया है। भाई इसके अंदर हमें एक और यूज़फुल फीचर देखने के लिए मिलती है, वो है इसके फॉग लैंप्स। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें अंदर किसके अंदर कौन सी यूनिक सी फीचर है, तो भाई इसके अंदर हमें फ्रंट के साथ साथ बैक के अंदर भी फॉग लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये फॉग लैंप का स्विच दिया गया है, इसके अंदर हमें तीन मोड्स दिए गए हैं,
ऑफ के लिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इसके अंदर ये काम कैसे करता है, अब जैसे आप ओडोमीटर पे देख पा रहे होंगे, मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी कि ये ग्लो करनी शुरू कर गई है। लेकिन अगर इसको मैं एक बार ऊपर करके छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा ये ऑरेंज कलर की लाइट भी ग्लो कर गई है। इसी तरीके से इसको मैं एक बार ऑफ ऊपर की तरफ को करके छोड़ देता हूँ तो ये ऑफ कर जाती है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको ऊपर वाली को ऑन करता हूँ तो ये हमारे रियर फॉग लैंप्स हैं। मैं एक बार आपको बाहर की तरफ से दिखाता हूँ। क्योंकि फ्रंट फॉग लैंप तो आजकल हमें हर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन रियर फॉग लैंप एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है। पर आज के टाइम में महिंद्रा ने भी इसको अपनी गाड़ियों से रिमूव कर लिया है और इसकी जगह पर रिफ्लेक्टर देना शुरू कर दिया है। तो भाई इसके अंदर एक और हमें यूनिक सी और हिडन फीचर देखने के लिए मिलती है, वो इसकी पावर से रिलेटेड। बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया, उसके बाद भी जो हमारे डोर्स वगैरह हैं जहाँ पर हमारा मोटर ऑपरेट होती है, यानी कि डोर जो हमारे विंडोज अप एंड डाउन होते हैं वहाँ पर, और इनफैक्ट हमारे जो चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह हैं यहाँ पर, इसके अंदर अगले 25 to 30 सेकंड तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है, करंट फ्लो करता रहता है। ये फीचर काम कहाँ पर करती है, बेसिकली मुझे मान लीजिए हमें कहीं पर गए हैं, हम अपनी फैमिली के साथ में गए हैं और मुझे उनके विंडोज़ को बंद करने के लिए तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने इग्निशन को ऑफ़ करने के लिए। मैं अपने इग्निशन को ऑफ़ करके मैं खुद बाहर आ सकता हूँ और वो इन द मीन वाइल अगले नेक्स्ट 25 to 30 सेकंड तक वो अपने विंडोज़ को ऑफ़ करके को बंद करके बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे उनकी वेट नहीं करनी पड़ेगी इग्निशन को ऑफ़ करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा फीचर है। जिसके अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर दी गई है वो है इसका सेफ्टी एग्जिट लीवर, जो हमें हमारे बूट स्पेस में देखने के लिए मिलता है। बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी आजकल के टाइम की गाड़ियाँ हैं वो सबके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमें विंडो ओपन करने के लिए इसके अंदर पावर विंडो दी गई है, गेट पे हमें सेंटर लॉकिंग दी गई है। तो ये सब के सब बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी और सम एक्सीडेंट, ये हमने देखा है कि जनरली हमने देखा है कि ये सब चीज़ें जो है ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस टाइम पे हमें एग्जिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और या फिर हमें साइड के जो मिरर्स होते हैं इनको तोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। तो उसके लिए महिंद्रा ने इसके अंदर एक मैनुअल लीवर दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर बूट स्पेस है वो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होता है, इसके अंदर पैसिव एंट्री के लिए पैसिव स्विच दिया जाता है जिसके थ्रू हम उसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर एक मैनुअल लीवर भी दिया गया है जो कि अंदर से ही ऑपरेटेड होता है, जिसके अंदर हम उसको प्रेस करके, जिसको मैनुअली उसको प्रेस करके उस बूट को ओपन करके उसके थ्रू हम एग्जिट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको पीछे जाके एक बार दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि हम अपने बूट के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर हमें लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर और नीचे की तरफ सेंटर के अंदर हमें एक स्पेस मिलता है ओपन करने के लिए। बेसिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो स्पेस मिलता है, जो हमारी टेल लाइट होती है उसके कनेक्शंस के लिए एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर स्पेस दिया गया है। लेकिन जो हमें नीचे की तरफ जो स्पेस दिया गया है ये हमारा बूट को अनलॉक करने के लिए स्पेस दिया गया है। इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक मैनुअल कनेक्शन दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पर एक हमें लीवर दिया गया है जिसको हमें, ये वाला लीवर, इसको हमें यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला लीवर हमें यहाँ पर प्रेस करना है तो हमारा गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए इस वाले लीवर को अगर हम दोबारा करके दिखाता हूँ, एक बार प्रेस करते हैं तो हमारा जो बूट है वो मैनुअली ओपन हो जाएगा। भाई इसके अंदर एक और फीचर देखने के लिए मिलती है, वो इसकी की से रिलेटेड। आजकल क्या होता है कि हमें स्मार्ट कीज मिलती है गाड़ी के साथ में, तो उसको हमें कहीं पर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस क्योंकि गाड़ी के अंदर एग्जिस्टेंस ही काफ़ी होती है। तो हम जनरली इसको ला के यहाँ पर बीच में सेंटर में रख देते हैं गाड़ी की को, और पुश बटन से जो गाड़ी का इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन होता है उससे गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई चलती हुई गाड़ी से बच्चा इस की को बाहर फेंक देता है तो उस केस में क्या होगा, तो हमारा ध्यान तो उस तरफ जाएगा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी, हमारी गाड़ी चलती रहेगी या क्या होगा, वो इसको हम एक बार लाइव करके देखते हैं कि उस गाड़ी की, उस केस में गाड़ी के साथ क्या होता है। तो गाड़ी की को उठा के मैं बाहर तो फेंक नहीं सकता, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं गाड़ी को ऑन कंडीशन के अंदर मैं गाड़ी की को लेके बाहर निकल जाऊँगा, फिर देखते हैं कि गाड़ी किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो ये मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है, और अब इस गाड़ी की को लेके मैं गाड़ी से बाहर निकलूँगा और चेक करते हैं कि गाड़ी किस तरीके से रहती है। अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो ये है कि हमें वार्न हो जाएगी, तो हम इमीडिएटली वार्न हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि हमारी गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी चलती रहती है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे को पता नहीं चलेगा, और अपने डेस्टिनेशन पर जाके देखेंगे तो हमें गाड़ी की का पता ही नहीं होगी कि वो कहाँ पर है। तो उसको मैं लेके बाहर निकलता हूँ एक बार। तो अब जैसे सुन पा रहे हैं
गाड़ी तो ऑन कंडीशन पे है लेकिन साथ साथ एक वार्निंग बीप भी दे रही है साथ में। जैसे कि हमने सुना कि गाड़ी तो ऑन थी, गाड़ी तो ऑन कंडीशन पे रही, लेकिन इसने वार्निंग साउंड देनी शुरू कर दी, वार्निंग बीप देनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे पता लग गया कि मेरी गाड़ी की चाबी जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं है। इनफैक्ट ये एक वार्निंग मैसेज भी देती है, आपको दिखाता हूँ मैं। आप जैसे ऑडोमीटर पे देख पा रहे होंगे नोटिस किया होगा कि ये बीप भी दे रही थी, साथ साथ यहाँ पर सामने ऑडोमीटर पे नोटिफिकेशन भी दे रही थी कि की नॉट इन द व्हीकल। तो ये हमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गाड़ी तो हमारी ऑन रहेगी, क्योंकि अगर हम कई बार हाईवे वगैरह पे चल रहे होते हैं और बच्चे ने अचानक गाड़ी की बाहर फेंक दी तो इमीडिएटली गाड़ी बंद नहीं होगी, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस नहीं होंगे, लेकिन इमीडिएटली वॉर्न भी कर देगी। तो हम अपनी गाड़ी को साइड पे लगा के अपनी की को जहाँ पर बच्चे ने फेंकी है, जो भी हुआ है, उसको हम वापस गाड़ी के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो इसके अंदर एक और फीचर की से रिलेटेड ही है। बेसिकली क्या होता था कि पुरानी गाड़ियों के अंदर हमारे को इस तरीके की कीज़ नहीं मिलती थी, स्मार्ट कीज़ नहीं मिलती थी, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मैनुअल कीज़ लगाने की ऑप्शन होती थी और सेंटर लॉकिंग होती थी। तो हम जनरली बाहर जाते वक्त इसको लीवर को बंद कर देते और गाड़ी को लॉक कर देते थे, और गाड़ी कई बार ऐसा होता था कि हमारी चाबी जो है गाड़ी के अंदर ही रह जाती थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि हमें गाड़ी की चाबी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, हमें गाड़ी की कीज़ वगैरह को किसी मैकेनिक को बुला के अपनी गाड़ी को ओपन करवाना पड़ता था, और उसके बाद हमें की जो है वो अंदर से निकालनी पड़ती थी, या फिर हमें दूसरी की का अरेंजमेंट करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में जो स्मार्ट कीज आती हैं उसके अंदर ये फीचर नहीं है, उसके अंदर ये भी एक स्मार्ट फीचर दी गई है इसके अंदर कि अगर हमारी गाड़ी की गाड़ी के अंदर रह जाती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर गाड़ी की छोड़ दी और मैं इसके अंदर बाहर चला जाता हूँ गाड़ी की छोड़ के, अब आप देखेंगे मैं इसको बंद करने की कोशिश करूँगा तो बंद ही नहीं होगा, लीवर बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इसको बाहर से पैसिव एंट्री है जो मेरी उसको प्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो भैया वार्निंग बीप दे रही है, और साथ में आप ऑडोमीटर पे चेक कर सकते होंगे वहाँ पर मैसेज आ रहा है की इन व्हीकल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी महिंद्रा XUV 300 की कुछ एडवांस और हिडन फीचर्स, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी फीचर्स आपको पहले से ही पता हो, और हो सकता है कुछ फीचर्स आपको हमारी वीडियो देखने के बाद पता लगी हो। तो अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटरी थी तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो के अंदर।